हाय, कैसे हो? वेलकम बैक। मैंने रात के 9:30 बजे आज ब्लॉग स्टार्ट किया है। पता नहीं मैंने क्यों स्टार्ट किया है आज। तो साढ़े हाँ बोलो, हाँ बोलो, हिंदी में बोलो सबको। उड़िया नहीं समझ में आता किसी को। हाँ, क्या अब मैं बोलूँ? नाम ओके, तमिल में बोल रही हो क्योंकि ना मीनाक्षी मैम है ना। देखो इसकी एक्टिंग, देखो क्या किया है, देखो बेड को उसने क्या हालत की है। मेरी मेहनत, मेरी इतने टाइम की मेहनत। ओके, यू वांट टू टॉक? ओके टॉक। हाँ मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी मैम ने क्या बोला? अच्छे से बेड लगाओ। ये इसका बेडशीट का किसी ने मुझे लिंक मांगा था, तो मामा, ये मामा, कोई मामा, लिंक विंक मुझे नहीं पता कि मैं ऐसे ही मामा, मार्केट से मामा, लगाई थी। हाँ मामा, बोलो, हाँ बोलो, बोलो तो फिर बोलो। मामा, ए नो पागल। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आपके जीजू क्या कर रहे हैं अभी। जीजू, चलो जीजू क्या कर रहे हैं बाबा? लैपटॉप। जीजू काम कर लेंगे उसका हिंदी। चलो रुको। हाय, आपको लोगों ने लास्ट 2 व्लॉग में इधर ही सेम पोजीशन में सेम यही काम करते हुए देखने को मिला है। लोगों ने यही देखा है, बस बस। आजकल तो लोगों ने पूछना भी छोड़ दिया जीजू कहाँ पे। सबको पता होगा लैपटॉप के सामने है। मैं कब से बुला रही हूँ 8:30 बजे से क्या? मैं कब से बुला रही हूँ 8:30 बजे से। खाना खा लो, खाना खा लो, डिनर कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं। एंड अभी हो गया टाइम इतना। कुछ बोलो, काम के अलावा भी दुनिया में होता है खाना खाना। खाने के बाद बीवी को भी काम होता है, बर्तन मांजना। मेरी हालत देखो, बर्तन मांज मांज के देखो यार, मेरे 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 देखो, मेरे नाखून बढ़ ही नहीं रहे। पहले पता है जब मैं बीटेक पढ़ रही थी, इतने बड़े बड़े अच्छे से नेल्स होते थे, कलर्स लगवा के जाती थी डेली, एक एक कलर्स लगाती थी पूरा ड्रेस मैचिंग करके। अब देखो, एक नेल पेंट 24 घंटे नहीं दिखते मेरे उंगलियों पे, 24 घंटे। बोल दो, कुछ बोल दो, कम से कम बोलने कुछ लायक नहीं बचे। कुछ कुछ कम से कम कुछ प्यार से बोल दो, दो बातें प्यार की कर दो। चलो भाई ये देखो कितनी शांत चेन्नई, कितनी शांत। फिर सुबह सुबह यहाँ पे फिर से हंस फस के स्पीच पिचिस सब स्टार्ट हो जाएगा ना। कितना अच्छा लगता है यार हवा। मुझे डर लग रहा है मेरा फोन ना गिर जाए ढबाच। मेरे गोदी में बैठ जाओ, मेरे गोदी में बैठ जाओ। हाँ जे जे, अच्छा सॉरी, नो 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 टेक। एंड चेन्नई में कोरोना आग की तरह फैल गया है, आग की तरह, इसका कुछ हम कर ही नहीं सकते। इस तरह से मतलब एक एक बिल्डिंग में सभी लोगों को हो गया ऐसा आज सुनने को मिला। इनके दोस्त हैं यहाँ पे, तो क्या करें बोलो। सिचुएशन, घर चले जाएं उड़ीसा? सोच रहे, लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। क्या बोलते हो आप लोग, चले जाए? बताओ, देखते हैं, सोच के बताती हूँ कल परसों तो का आपको इसके बारे में। तो ये हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। तो बहुत लोगों का था कि माही का क्या होता है, माही कैसे करती है, कैसे उठती है। तो माही 8 बजे तक उठती है, वो फिर वो आके फिर इधर उधर 15 मिनट उसका वैसे ही चला जाता है कि मम्मा और सोना है, नहीं उठना नहीं है इसमें, फिर उठ के इतने सारे सवाल में, फिर स्ट्रगल स्टार्ट होता है ब्रश करना। ये जो एज होता है ना इनका, इनको ना हर काम सारा काम खुद ही से करना है। खाना खुद ही से खाना है जब वो खा नहीं सकते, ब्रश खुद ही से करना होता है जब वो कर नहीं सकते। तो फाइनली बहुत ज़्यादा युद्ध के बाद हम दोनों ने उसका ब्रश फिनिश किया। एंड आपको ये लग रहा होगा ना कितनी प्यारी अच्छी बच्ची है, देखो कितनी शांत बैठी है। नहीं, ये बस ना मैं कैमरा दिखा रही थी, उसको पता इसी के लिए वो बहुत शांत बैठी थी, वो नहीं खाएगी। एंड देखना उसका अभी नखरा स्टार्ट होगा। ये इसको रसम बोलते हैं। एंड ये मेरे
अपनी नेबर देके गई है उसके लिए, क्योंकि रसम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है इडली के साथ खाने का माही को। तो ये मुझे बनाना नहीं आता है, कैसे बनाना बहुत ईजी है वैसे। तो ये वाला देखो माही का नखरा स्टार्ट हो गया, तो इसको मैं पहले खाना खिला लेती हूँ अच्छे से। अभी आधा घंटा तक तो लग जाएगा इतने के लिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। हेलो, अभी बज रहे टाइम 3 हो गया है। एक्चुअली ना मेरे घर के पास एक मिल है एंड जो मसाला वसाला पीसते हैं पूरा दिन इतना साउंड होता है, वो अलग बात है। चलो वो अपना काम करे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक्चुअली किसी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो आई थिंक पता नहीं आज गरम मसाला पीस रहे हैं वो, या फिर सोफा देखो यार क्या किया है मैंने, वो रे भगवान गरम मसाला उसने पीसा हुआ है, पीस रहे हैं वो लोग, या फिर लाल मिर्च का पाउडर पीस रहे हैं वो लोग, क्या करें मुझे नहीं पता। मैं कितना देखो दरवाजा मैं नहीं खोल रही इसके लिए, क्योंकि वो जो इतना धुआं धुआं सा पता नहीं क्या आ रहा है ना, कितना एक तो जल रहा है यहाँ पे और इतनी छींकी आ रही है ना। मंद्र बोलते देखो ध्यान से मुझे कोरोना हो जाएगा, ऐसे क्यों अब चीख रही हो आजकल घर में बैठ के। बाहर भी गई थी तुम घूमने के लिए? मैं बोले घूमने के लिए थोड़ा ना गए थे यार, बाहर ग्रोसरी लाने के लिए गए थे, साथ ही बहुत। तो चलिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ। लंच हमने वैसे कर लिया था, बहुत ही सिंपल सा मैंने आज बनाया था, इसलिए लंच के लिए आपको कुछ नहीं दिखाया। डिनर में मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ तो वो शेयर करूँगी। अभी 2 बजा था, माही को मैंने एक्चुअली सुलाया था एंड मैं यहाँ पे बेडरूम में बैठी हूँ। अगर बच्चे ऐसे होते हैं ना पास में, ये सारा काम वो करने नहीं देते, वो सारा उथल पुथल कर देती है माही। एंड यहाँ पे इतने ज़्यादा वो मैंने बॉक्सेस में सारा सामान लगाया हुआ था, वो स्किन केयर का जो भी सामान था वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। पहले मैंने इयर रिंग्स इसको मैंने अच्छे सेट किया है, क्योंकि सब कुछ मिक्सअप हो गया था तो उसको दो 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 करके पहले रखने में थोड़ा सा टाइम लग गया, इसी में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये है मेरे पास जितने इयर रिंग्स थे, मैंने बेड के ऊपर ऐसे साइज करके रख दिया है दो दो उसको सेट करके, तो आपको एक बार दिखा देती हूँ। वैसे भी मैंने जो इयर रिंग्स है ना, इन सब का मैंने आपके लिए हॉल या फिर मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया आपके लिए 2-3 पता नहीं कितने ज्वेलरी के मेरे वीडियोज़ है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो ये एक ही टाइम के नहीं है, करीब 7-8-9 साल पुराने भी कुछ मेरे पास इयररिंग्स है। तो ये मत सोचना कि इतने ये जो इयररिंग्स एक ही टाइम के हैं मेरे पास, मैं थोड़े नहीं कुछ ज़्यादा ही प्यार से मैं इन सबको रखती हूँ। तो यहाँ पे ना ऐसे कुंदन ज्वेलरी है, फिर कलरफुल वाले हैं कुछ, मुझे जैसे कि आते हैं हमारे पास रिव्यू के लिए उसमें से भी कुछ है ये वाला। तो यहाँ पे कुंदन वाले ये थोड़े हैवी ज्वेलरी है यहाँ पे, तो इन सबको ऐसे रखोगे ना तो आपको भी थोड़ा सा ईजी होगा। एंड ज्वेलरी स्टोर करने के लिए ना आपको बहुत आजकल तो बहुत ज़्यादा बॉक्सेस भी मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मेरे पास कुछ ज़्यादा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये साइड में मैंने नेकलेस वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, जितना भी मेरे पास नेकलेस है, तो मैं आपको वो सब बाद में दिखाती हूँ। तो इतना पहले इन सबको अरेंज करके मैंने ये वाले बॉक्स में यहाँ पर रख दिया है। ये जो पहले कॉर्नर है ना, यहाँ पर मैंने सिर्फ जो झुमके हैं वो मैंने रखे, गोल्ड के झुमके, ऑक्सीडाइज झुमके जो भी है वो सब एक ही कॉर्नर में रख दिया। ये सेक्शन में सारे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जितने भी है ना, तो इसमें मैंने की जगह पे मैंने रख दिया है। एंड ये इतने बड़े बड़े आपको लग रहे हैं ना ये जो ऑक्सीडाइज वाले, लेकिन बिल्कुल हैवी नहीं है, बहुत लाइट वेट होते हैं। एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट है, बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है अगर आप ये एक भी पहन लेते हो ना। तो ये वाला कॉर्नर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला बॉक्स है ना सेक्शन, इसका यहाँ पे मैंने सारे कुंदन ज्वेलरी रखे हैं, स्टोन के, कुंदन के, वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कुंदन के बहुत है। एंड ये वाला ये बहुत है, ये ज्वेल्स गैलेक्सी से आई थिंक था। एंड इसमें से कुछ है जब मैं बीटेक पढ़ रही थी वहाँ पे कॉलेज फंक्शन के लिए मैंने लिया था कुछ, वो भी मेरे पास है अभी तक। तो ये यहाँ पे सारे जैसे कलरफुल वाले थोड़े से हैं, कुछ बोहो प्रिंट वाले उस तरह के हैं, तो वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे एक ही सेक्शन में मैंने रखा हुआ है। एक और बॉक्स से मुझे एक्चुअली मिल नहीं रहा था, मैं देख के आपको बताती हूँ, बाद में दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। एंड इस छोटे से डिब्बे में मैंने सारे रिंग मैंने रखे हुए हैं। एंड ये वाला मैं उड़ीसा से ली थी, वो भी हाँ ये वाला चेन्नई से था, बहुत पुराना है एक्चुअली। तो ये इयररिंग्स एंड रिंग वाला मैंने रख दिया है उसको। एंड इसके बाद आता है नेकलेस के तरफ। तो जितने भी मेरे पास नेकलेस है वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। आई डोंट नो इस बेडशीट की वजह से आपको अच्छे से दिख भी पा रहा होगा कहीं नहीं। तो इसमें से कुछ मेरी मम्मी के भी है जो मम्मी ने मुझे दिया था, कुछ ऐसे हैं जो मैंने चेन्नई में ना, यहाँ पे एक भैया होते हैं मेरी एक फ्रेंड है तो उनके घर में वो लेकर आते हैं, तो वहाँ से भी हम लोग लेते हैं कभी। तो वो एक ही टाइम का नहीं है, बहुत टाइम का है। कुछ मुझे जैसे कि मुझे ज्वेल्स गैलेक्सी की तरफ से मिले थे वो भी है। एंड ये वाला इसके लिए बहुत ज़्यादा, वो जो सावित्री व्रत में मैंने पहना था उसके लिए बहुत सवाल थे कि वो कहाँ से लिया, तो वो चेन्नई से ही लिया था मैंने। एंड ये वाला भी चेन्नई से लिया था, ये मेरा भाई ने गिफ्ट किया था, ये ज्वेल्स गैलेक्सी की तरफ से आया था। एंड ये भी मैंने चेन्नई से ही लिया था यहाँ पे। तो इन सबको एक्चुअली ये भी काफ़ी टाइम पुराना है ये सारा कुछ, ये बीटेक के टाइम का था कुछ इसमें से।
तो इतने मेरे पास एंड सिंपल सिंपल से भी दो थे, आपने देखा। तो ये सारा कुछ नेकलेस मेरा इतना, इन सबको भी एक बॉक्स में रख लूंगी। तो आज के व्लॉग में मैंने आपको ये वाला दिखा दिया है, एंड अभी चलते हैं लंच डिनर बनाने की प्रिपरेशन के लिए। लाइन करो, स्ट्रेट लाइन करो, स्लीपिंग लाइन। हाँ, वेरी गुड। अगेन टू टू हाफ सर्कल ना, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन। यस। तो वहां पे माही पढ़ाई कर रही है, अभी मैं आ गई हूँ बनाने के लिए डिनर। तो आज मैं बनाऊंगी पाव भाजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक बनाऊंगी क्योंकि टाइम हो रहा है। प्याज मैंने लिया है आधा, कैप्सिकम, अदरक यहाँ पे, एंड हरी मिर्च, आलू मैंने 3 काट के रखा हुआ है, टमाटर 3 लिए हैं, गाजर एंड बीन्स एंड फुल गोभी जो है, गोभी मैंने इतना लिया है थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपके पास मटर है तो आप वो भी आप ले सकते हो। तो तेल मैंने कुकर में मैं बनाऊंगी डायरेक्टली यहाँ पे, एंड इसको अलग अलग बॉयल करो, तड़का लगाओ, ऐसा नहीं करूंगी, बहुत जल्दी ऐसे भी बहुत टेस्ट लगेगा, ट्राई करना। तेल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पे बटर ऐड किया था, वो मेल्ट होने के बाद मैंने इसमें अदरक एंड हरी मिर्च ऐड किया। वो जब थोड़ा सा सौते हो गया ना, मैंने यहाँ पे प्याज ऐड किया था। यहाँ पे मैंने 2 प्याज बहुत ही बारीक मैंने काट लिया है। अगर आप चाहते हैं ना तो इसका भी पेस्ट बना सकते हो, इन सब का मिक्स करके पेस्ट भी बना लो तो भी ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। एक्चुअली अभी मैंने इसी के लिए ऐड किया क्योंकि मैं भूल गई थी, अगर आप ये तेल में भी ऐड कर दोगे ना बटर ऐड करने के बाद, तो इसका फ्लेवर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो आलू मैंने कट किया था, 3 आलू, एंड मैंने इसको ऐसे नॉर्मल क्यूब साइज में कट किया है, ज़्यादा छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैंने गाजर, बीन्स एंड फुलगोभी लिया है। अगर आपके पास बीट है तो भी आप ले सकते हो, उससे कलर थोड़ा अच्छा आएगा। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं, इन सबको मैंने थोड़ी देर सौते करके थोड़ा सा मैंने इसमें नमक ऐड करूंगी, एंड उसके बाद 2 मिनट तक इसको भुनने के लिए ऐसे ढक के पका देंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग इसमें पानी पानी ऐड करेंगे। अभी मैं कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, एंड यहाँ पे मैं करीब 2 ग्लास 1.5 ग्लास के करीब मैंने इसे पानी ऐड किया है। ज़्यादा पानी पानी आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड इसके बाद मैं इसमें 2 सीटी लगा दूंगी, 2 सीटी में ऑलरेडी ये सौते हो गया है, एंड ये अच्छी तरीके से पक जाएगा। तो अभी 2 सीटी के बाद आपको क्या करना है, गैस ऑफ करके इसको अच्छी तरीके से पहले मैश कर देना है। एंड मैं इसी के लिए इससे मैश कर रही हूँ क्योंकि मेरे मैशर ना अभी टूट गया, तो मेरे पास अभी और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस टाइम गैस को दोबारा ऑन करके मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ पे 1.5 चम्मच क्योंकि बिल्कुल तीखा नहीं होता है, एंड यहाँ पे जीरा पाउडर 1 चम्मच, पाव भाजी मसाला 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है। एंड उसके बाद थोड़ा सा नमक मैं ऐड करूंगी क्योंकि मुझे लगा नमक थोड़ा सा कम है। एंड इन सबको आपको क्या करना है ना, अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आपको ये बात पे मेन ध्यान देना है कि आपका जो भी सब्जी था ना बॉयल होने के बाद अच्छी तरीके से मैश हो जाए। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे इतना बटर ऐड करूँगी, बटर आप चाहे आप तो इसे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली बटर का ही फ्लेवर होता है पाव भाजी में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये बहुत ही सिंपल है, आप कुछ किसी और वे में भी बना सकते हो आप चाहो तो। अगर क्विक है तो इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने ऐड किया है थोड़ा सा इसको क्रश करके, एंड अभी मैंने धनिया ऐड किया है, धनिया का पत्ता। मेरे पास इतना ही था, मेरे पास था भी नहीं, और अगर आपके पास है ना थोड़ा ज़्यादा धनिया का पत्ता ऐड करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी पाव मेरा भाजी बन गया है। पाव के लिए मैंने यहाँ पे तवे में बटर थोड़ा सा ले लिया है, एंड ये जो मैंने भाजी बनाया था ना उसी को मैं थोड़ा सा लेके उस बटर में ऐड कर लूँगी। तो क्या होगा ना, ये जो बन में जो पाव है ना इसमें इसका फ्लेवर चला जाएगा। हमें पाव भाजी मसाला उसमें दोबारा से तवे में ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं हंस इसीलिए रही थी, महेंद्र पीछे से ना मुझे बोल रहे थे तुम आज एकदम से पाव भाजी वाली लग रही हो, एक स्टॉल खोल लेते हैं चलो नीचे, इतना आवाज़ करके बर्तनों में बना रही थी जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे रेडी हो गया है सिंपल क्विक इजी है पाव भाजी, एंड महेंद्र का एक्टिंग मैं अभी देख रही हूँ पीछे, इतने ड्रामा करते हैं ये, मुझे कभी कभी रिकॉर्ड करने के बाद पता चलता है। तो जैसे धनिया है तो धनिया थोड़ा सा ऐड कर लो आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसे खाना है। प्याज मैंने ऐड किया है, थोड़ी हरी मिर्च एंड थोड़ा सा नींबू, एंड रेडी हो गया हमारा पाव भाजी, सिंपल इजी क्विक, ट्राई ज़रूर करना। एंड गाइज अच्छा लगा तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, एंड अगर
आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, ताकि हम और आगे बढ़े हमारी फैमिली। तो अभी आज का थोड़ा सा प्लान बना कि चलो छत पे बैठ के खाते हैं बाहर, क्योंकि हवा इतनी अच्छी हवा आ रही थी। तो वैसे ही छत है क्या, ऐसे ही बालकनी की तरह तो लगा ही हुआ है, ऊपर तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता हमें अभी। तो यहाँ पे आ गए थे, बैठ गए थे, माही को मैंने ऑलरेडी खिला दिया था, तो फिर भी ये थोड़ा सा हमारे साथ खाएगी, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नौटंकी करेगी, वो मुझे पता है। तो यहाँ पे माही को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड आप लोगों को कैसा लगा रेसिपी, एंड आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड कभी कभी एक्चुअली ऐसे इस समर जो अभी समर यहाँ पर चल ही रहा है, यहाँ पर बारिश बिल्कुल आया भी नहीं है, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है पहले, तो यहाँ पर चल रही है हमारी एंटरटेनमेंट जो कि माही मैडम कर रही है, तो हम वही इंजॉय कर रहे हैं। आई होप ऐसा पहली बार हुआ है ना ऐसी नाइट आप लोग को ब्लॉग में छत पे आके खाना। हाँ हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा गाइस लाइक करना, शेयर करना। मिलती हूँ मेरे अगले ब्लॉग में, बाय, टेक केयर।